हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो एनडीए लास्ट 50 डेज प्रिपरेशन प्लान को लेकर है। आप लोग इस सेशंस के लिए कई समय से डिमांड कर रहे थे। मैंने जितने भी अभी लाइव सेशंस लिए, वीडियोस लिए, वो सब में आपने लिखा था कि सर एनडीए पे सेशन लीजिए, काफी समय से नहीं लिया। केवल मैं रुका इसलिए था क्योंकि अभी तक आप में से बहुत सारे लोग थे जो कि नेवी का एग्जाम दे रहे थे या एयरफोर्स का एक्सपायर ग्रुप का एग्जाम दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब एक बार ये एग्जाम एंड हो जाए उसके बाद ही ये सेशन लूंगा, क्योंकि अब आपके पास कोई एग्जाम नहीं है। आपके जो जो एग्जाम होने थे वो हो गए। अब अगले 50 दिन अगर आपका फोकस एनडीए पे रहा तो मैं बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं, आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। वह शर्त है कि आपका फोकस, आपका माइंडसेट सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए। और याद रखिए कि लास्ट ईयर 2018 में सितंबर में एग्जाम था, उस समय बच्चों को केवल 3 मंथ्स का टाइम मिला था। आज अगर हम देखें तो आज भी हमारे पास 50 डेज हैं। उस समय के बैच में 12 स्टूडेंट ने, केवल 2 महीने के बैच में 6 स्टूडेंट ने सिलेक्शन दिया था। और उसमें आपने देखा भी था कि राज का इंटरव्यू, जिसके 12th में कम परसेंट होते हुए भी उसने सिलेक्शन दिया। अभी आपने देखा होगा मैंने प्रद्युमन का SSB सिलेक्शन होने के बाद उसका सेशन आपके साथ शेयर किया था। लास्ट एनडीए का अटेम्प्ट था, इसके पहले कोई एनडीए में सिलेक्ट नहीं हुआ था। लास्ट अटेम्प्ट में एनडीए रिटर्न भी निकाला और SSB भी फर्स्ट टाइम में ही निकाला। यानी ये पॉसिबल है अगर आपका माइंड सेटअप क्लियर है। उसने बिल्कुल क्लियरली सारे बच्चों को यहां पर एक ही बात बोली थी, वही कि सर आपने जो बोला वही बात पे फोकस किया और उसी चीजों पे ध्यान दिया। वही मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका फोकस टूवर्ड पॉजिटिव है, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको ये नहीं सोचना है कि एनडीए में सिलेक्शन होगा कि नहीं, इससे पहले बाहर निकलो। सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करनी। सेकंड थिंग, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई के अलावा आपको एक और चीज समझनी है कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है, लेवल क्या होना चाहिए, आप कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर भी जो बैच चल रहा है उसमें कई बच्चे जो मिस्टेक कर रहे थे, जो जब यहां आने के बाद मैंने देखा, उन मिस्टेक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे अगर आप भी कहीं बाई चांस ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो वो मिस्टेक ना करें। क्योंकि आपके पास बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लास्ट 50 डेज करें। जो लास्ट 50 डेज एकेडमी में होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके शेयर करने से आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे लाइव सेशंस मिलेंगे, हर क्लास हर टॉपिक्स के लगभग इंट्रोडक्शन सेशंस लूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, उनको जरूर देखिएगा। जो यहाँ टेस्ट पेपर्स होंगे उन कुछ टेस्ट पेपर्स के आपके साथ लाइव सॉल्यूशन शेयर करूंगा, कई सारे एक्चुअल पेपर के सॉल्यूशन शेयर करूंगा, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। पिछले सेशंस में भी बहुत बच्चों की हेल्प हुई, उससे कई बच्चों का रिटर्न निकला, और वही चीज यही कोशिश होगी कि आप इस बार भी NDA-2 में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब क्या लास्ट 50 डेज करना है, ये एकदम फोकस हो जाना चाहिए सारी चीजें दिमाग से निकाल के। अब वैसे अगर किसी ने XY या नेवी का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट क्या आता है उसको छोड़ दीजिए, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव आए। पॉजिटिव आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, नेगेटिव आए तो भी नहीं डरना है, क्योंकि अगर आपका एम एनडीए है तो कंप्रोमाइज मत करिए। यहां पर भी कई बच्चों ने दिया, पर उन सबके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने वो एक प्रैक्टिस के लिए दिया है, ना कि उसमें से मैं बिल्कुल श्योर हूं, क्योंकि वो सब बच्चों का एम एक ही है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कंपाउंडर बनके कंप्रोमाइज मत करिए, यही एक सजेशन दूंगा। वो रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बाकी आपका फोकस अपना एनडीए पे ही रखते हुए चलिए, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करता हूं मैं कि क्या चीजें हैं जो नेक्स्ट 50 डेज आपको करना चाहिए, राइट। और ध्यान रखिए, आप में से किसी मेरी किसी भी वर्ड को गलत मत ले जाइए। अगर आपका एम XY ग्रुप ही है, नेवी है, तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आपका एम एनडीए है तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए और क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सेक्शन की, कि नेक्स्ट 50 डेज में मैथ्स में क्या करना है, और नेक्स्ट बात करते हैं GAT की, इसमें क्या करना है। आपका पढ़ाई का आखिरी दिन होगा 15th of November, 16 नवंबर को टोटल ऑफ है ना। मैं हर बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल 16 तारीख को नहीं पढ़ने दूंगा, यही बात सारे बच्चों को बोलता हूँ, वही बात आपको ध्यान रखनी है। आखिरी दिन एकदम माइंड को फ्रेश करना है, जिससे कि 17 नवंबर को जब पेपर दे तो दोनों पेपर में परफॉर्म कर पाए। अब मैथ्स के 120 क्वेश्चन में से आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर अभी पूरा सिलेबस नहीं हुआ क्या करें। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपने जितना भी किया है 50, 60, 70% इतने सिलेबस को ही अच्छे से कर लें वो काफी होगा आपके लिए। अब क्या करना है, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, PNC,
एंड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन चार पोर्शन से ही लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी इक्वेशंस, बेसिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी एचपी, राइट साइट, ये सब टॉपिक्स, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर आप इन पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जो मैंने इस बार किया था यहां पर, आपको बहुत अच्छा 2D में बहुत बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाई करनी होती है, 3D पे या वेक्टर पे डॉट प्रोडक्ट वगैरह पता होना चाहिए, यानी अभी भी 50 दिन है, आप हर दिन लगभग 3-4 आवर अगर देंगे तो आप काफी अच्छा टाइम दे सकते हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट हैं इसमें, एक वो जो 12th अपेयरिंग है, एक वो जो 12th पास आउट है। जो 12th पास आउट है उसको बहुत क्लियर बोल दूं कि कम से कम 6 आवर मैथ्स के लिए देना है। जो 12th अपेयरिंग है वो ट्राई करे 3 आवर्स कम से कम दे, क्योंकि आप अगर 12th अपेयरिंग है तो 3 घंटे भी अगर आप देते हैं तो काफी होगा। 12th का सिलेबस आप लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया होगा, 11th का भी करके निकले, उसी सिलेबस को रिविजन करें। और जो 12th पास आउट है वो 6-7 घंटे देंगे तो उसका फायदा मिले। इसमें क्या क्या करना है सुनिए। एक एंड पर लगभग जो इतना भी टाइम आप पढ़ते हैं उसका 1/3 टाइम आप उनको दीजिए जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, क्योंकि जो टॉपिक हो चुके हैं अगर उस पर आपने वर्क नहीं किया, उस पर आपने वर्क नहीं किया तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं। आगे बढ़ना है, पीछे का भूलना है, वो मिस्टेक हो सकती है। इसलिए इस बार इंपिटस गुरुकुल ने टेस्ट सीरीज पहले से स्टार्ट कर दी। ऑलरेडी अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो सब उन टॉपिक्स के साथ हो रहे हैं जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं उनके साथ। उससे एडवांटेज ये हो रहा है कि पुराने टॉपिक का रिवीजन हो रहा है, यानी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे पुराने टॉपिक पे आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है कि जैसे सपोज आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तो एक दिन ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले लिखिए और एक दिन ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन करिए, फिर एक दिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए बस। दूसरा, कुछ बच्चे जैसे जब यहां आए तो वो एक मिस्टेक कर रहे थे कि वो आरडी शर्मा की बुक सॉल्व कर रहे थे। अगर आप आरडी की बुक सॉल्व करेंगे तो लॉस कुछ भी नहीं है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है और केवल मैथ्स नहीं पढ़नी है। मैथ्स के साथ जीएटी पे भी अभी आ रहा हूं मैं, मैथ्स के साथ जीएटी भी पढ़नी है। तो अगर आप मैथ्स ही पढ़ते रह जाएंगे तो जीएटी क्लियर नहीं होगा, जीएटी पढ़ते रह जाएंगे तो मैथ्स क्लियर नहीं रहेगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन एक बना के चलना है। तो ये चीज याद रखिए, यहां पर जो टेस्ट सीरीज की है तो बच्चों को एक चीज बोली कि एनालिसिस करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो जो टॉपिक हो चुके हैं, कैलकुलस पढ़ा है तो कैलकुलस का, और ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म करनी, 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री, 2 दिन कैलकुलस, 2 दिन पुराने टॉपिक एलजेब्रा के, ऐसे फिर अगले हफ्ते 2 दिन कैलकुलस, 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री, 2 दिन एलजेब्रा के टॉपिक। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन समझिए। उसका रीजन यह है कि आप हर हफ्ते जब ये टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो मजबूत होगा। आप एक ही बार में खत्म कर देंगे और फिर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वही मिस्टेक होगी। तो ये एक चीज याद रखना है। बुक के लिए अगर आपको मैं सजेशन दूं तो एनसीईआरटी की बुक के मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और साथ में एनडीए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ये एक सबसे प्रॉपर तरीका हो सकता है। आप जरूरी नहीं 100% सिलेबस करें, पर जो सिलेबस करें वो 100% कर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने पूछे थे वो मैंने लिखे हुए हैं, इन पे जरूर वर्कआउट करें। और बाकी सभी बिल्कुल बेसिक, मतलब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपके साथ जो सेशन शेयर कर रहा हूं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अब बात करते हैं जीएटी। जीएटी के अगर हम देखें तो 3 पार्ट है। एक है इंग्लिश, 200 मार्क्स का इंग्लिश, बहुत बेसिक लेवल का आता है। आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 100+ इंग्लिश में कर पाए, और वो पॉसिबल है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो। फिर बात करते हैं जीएस की, वो भी लगभग 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी ट्राई यही करना है कि 100+ स्कोर कर पाए। और अभी अभी जितने करेंट इवेंट्स हुए हैं याद रखिएगा, लगभग 15 अक्टूबर तक के जो इवेंट्स हैं उन पे आपका बहुत फोकस होना चाहिए। अभी अभी बहुत इवेंट, बहुत सारे नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं, उन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उनके नोट्स को हाईलाइट करते हुए चले। और इंग्लिश के लिए जीएस बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल करता है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर पढ़ें, उससे इंग्लिश का इंप्रूवमेंट भी होगा और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी डेवलप होगा। नोट्स भी आप करंट जो न्यूज़पेपर से, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप पढ़ते हैं उससे निकाल के करिए, तो उससे यह होगा कि आपका एक तरह से करंट अफेयर्स भी हो रहा है और साथ में इंग्लिश पे भी वर्कआउट हो रहा है। फिर आती है बात फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री।
अब इसकी अगर बात करें तो फिजिक्स ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आसपास आता है। फिजिक्स में बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस ज्यादा है पर आते हैं एनसीईआरटी के, इसलिए 9th और 10th की फिजिक्स के टॉपिक का रिवीजन एनसीईआरटी की बुक से जरूर करें। इवन 11th का भी करें, ट्राई करें कि फिजिक्स में आप क्योंकि 70 तक स्कोर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लगभग 30-40 तक स्कोर कर सकते हैं और बायो में भी 20 के आसपास, यानी इससे आपका 300 प्लस निकल जाएगा। यहां मैथ्स में जो मैंने टॉपिक बताए इससे आप 300 में से 150 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग से ये पॉसिबल है कि आप अपना एनडीए अच्छा दे पाए। क्या होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए नहीं सोचना है। हर वीक में अब से संडे को जैसे हम एकेडमी में कर रहे हैं वैसे ही करिए। सुबह बच्चा मैथ्स का पेपर दे रहा है 10 से 12 पूरा फुल लेंथ टेस्ट 120 क्वेश्चन का चालू किया है। दोपहर में जीएटी का पेपर दे रहा है यानी 150 क्वेश्चन का। या अभी से संडे का दिन आप इसी बात के लिए देना चालू करें और संडे के दिन एक पेपर मैथ्स का और एक पेपर जीएटी का कोई भी पुराना उठा के करें या कुछ मॉक पेपर सॉल्व करें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। मैं कुछ मॉक पेपर आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको काम आएंगे। तो आप इन पेपर्स को पूरे पूरे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने किया भी था एक पेपर, और अगर पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं मान लीजिए तो दो पेपर होना चाहिए उतने ही टाइम में और दो पेपर मैथ्स के होना चाहिए क्योंकि वो पेपर आप देख चुके हैं। देखे हुए पेपर में 50% और लेस देन 50% टाइम देना है और न्यू पेपर में फुल टाइम देना है। फुल टाइम में भी ट्राई करना है 15 मिनट कम। तो अगर एक प्रॉपर पढ़ाई का तरीका आप फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि सोचते ज्यादा है करते कम है। आज भी मेरे पास हम लोगों ने हमारे यहाँ इंपिटस गुरुकुल में हम लोग बिल्कुल देर नहीं करते बैच स्टार्ट करने में, जैसे एनडीए खत्म हुआ था अगला बैच स्टार्ट कर दिया और इस बार भी बिल्कुल क्लियर है क्योंकि एनडीए एक बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम है कि रिटर्न निकलता है तो भी अगले एनडीए की प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एसएसबी में पता नहीं होता क्या होगा। आपको भी पता है 100 में से एक बच्चा ही सिलेक्ट होता है। ऐसे में हम रुकेंगे नहीं, हम अगले एनडीए की प्रिपरेशन भी करेंगे, अगले के भी करेंगे, एक भी दिन खराब नहीं करना। पर फिर भी आज भी मेरे पास ऐसे बच्चों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, इनफैक्ट ऑनलाइन कोर्स से अभी अभी में बहुत बच्चे जुड़ते जा रहे हैं जिन्होंने अब तक प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की थी, या जहां वो पढ़ रहे थे वहां पर उनका कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो रहा था या वो कमांड नहीं आ रहा था जो एक्चुअल में आना चाहिए। तो ऐसे में आज भी हमारे पास 50 दिन है, अभी भी आपके पास मौका है कि इमीडिएटली अपने आप को एक्शन में लाओ और फिर से डिसीजन लो कि हमें क्या क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, उन मिस्टेक को दूर करते हुए एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना चालू करें। एनसीईआरटी की बुक होती है एनडीए के लिए, उन बुक को फॉलो ज्यादा से ज्यादा करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इंग्लिश न्यूज पेपर्स की बहुत जरूरत है आदत डालने की। दूसरा, जो मैंने एसएसबी के सेशन आपके साथ शेयर किए थे, आप लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछने की क्या एसएसबी हिंदी में होता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि एसएसबी हिंदी में नहीं होता है। वहां नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके और आप अंडरस्टैंड हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो इंग्लिश में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसीलिए 200 मार्क्स का इंग्लिश का एक पेपर क्यों होता है कभी सोची ना, पर्पज ही यही है क्योंकि आप लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं। ऐसे में आपका आप पूरे इंडिया के हर जगह के लोगों से मिलेंगे, इवन आप इंडिया के बाहर भी जाएंगे, तो इसलिए आपको एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उस पर कमांड होना जरूरी है। पर अभी आपका अगर बेस भी क्लियर होगा तो काफी अच्छा होगा। दूसरा, अभी आप एसएसबी के सेशन हमने यहाँ पे भी बंद कर दिए, आपको बोलेंगे कि अभी एसएसबी को लेके कुछ भी नहीं सोचना, एक पॉजिटिव माइंड से की गई प्रिपरेशन, एक डिसिप्लिन लाइफ, रेगुलर लाइफ ही एसएसबी की प्रिपरेशन होती है, एसएसबी की कोई अदर अलग प्रिपरेशन नहीं होती। कई बच्चों के ऐसे भी फोन आए कि उन्होंने रिटर्न के पहले एसएसबी की, सर हमने एसएसबी की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, अब हम एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। एक बात बताइए, जब तक रिटर्न नहीं निकलेगा एसएसबी का क्या मायना है, और रिटर्न निकल गया तो एसएसबी निकलने के चांस है, रिटर्न ही नहीं निकलेगा तो एसएसबी में कभी जा नहीं सकते। तो एक पॉजिटिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। अभी आपके साथ आने वाले दिनों में बहुत सारे सेशंस होंगे, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जुड़े रहिए गुरुकुल से, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिससे कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सके। बट नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, याद रखिएगा आप डिफेंस में जाने वाले हैं, डिफेंस में वही बच्चा जा सकता है जिसमें आखिरी सांस तक लड़ने की, आखिरी ब्रीथ तक लड़ने की दम हो, जो ये मान के चलता है कि हमें कभी हार नहीं मानना। तो अगर आप हार आज मान जाते हैं तो फिर आपको एनडीए जैसा एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं आपको, क्योंकि एसएसबी में आपका यही एटीट्यूड चेक किया जाता है कि आप कितने पॉजिटिव,
कितने एनर्जेटिक हैं, कितने मेंटल लेवल आपका कितना स्ट्रांग है, इस पर डिपेंड करता है। तो अभी ये अगले 50 दिन को आपको मैं बोलूंगा कि ये 150 दिन के बराबर बनाना है। अगर आप कोई बच्चा रेगुलर 3 घंटे पढ़ता है, आप 9 घंटे पढ़िए, आपके पास 150 डेज है। आपका थॉट आपके रिजल्ट को डिपेंड करता है। एक पॉजिटिव माइंड, एक पॉजिटिव थॉट ही अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, जो बातें मैंने बोली है उसको ध्यान रखिए। कुछ टॉपिक्स पे मैंने बोला है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी 50% सिलेबस करें, पर अच्छे से करें, जिससे कि एक अच्छा रिजल्ट दे। दूसरा, एनडीए का जब पेपर देते हैं तो रॉन्ग बहुत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होते पर लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन में मिस्टेक के हाईएस्ट चांस होते हैं। ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स कई बार नहीं पता होती, हम लॉन्ग मेथड से कर रहे होते हैं। ट्राई करिए, जो मैं आपके साथ सेशन शेयर करता हूं या जो मैंने दिए हुए हैं उनमें यही चीज पे कोशिश की कि कैसे हम क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करें। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 25-25 रॉन्ग अगर आपके हो रहे हैं तो उसको एनालाइज करना है कि रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। रॉन्ग 4 मिस्टेक से होते हैं, या तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 80% टाइम ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया। कैलकुलेशन रॉन्ग करने पे हम कई बार सोचते हैं, जैसे मान लो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का, और आपका रॉन्ग हुआ, आपने देखा ही नहीं कि रॉन्ग क्यों हुआ, अब हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक से, और आप बाइनोमियल बार बार पढ़ रहे हैं तो आपका कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मिस्टेक को पहचानिए, फॉर्मूला मिस्टेक हुई है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, इंटरकनेक्शन तो नहीं है टॉपिक का, या थ्योरी मिस्टेक हुई, जो मिस्टेक हुई है उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करिए, जब आपका स्कोर पे इंप्रूवमेंट आएगा। रॉन्ग नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप रॉन्ग कम कैसे होंगे, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग कम कर लिए तो भी आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे निकलते हैं बाहर और 40 राइट 30 रॉन्ग, ऐसा होता है। इसी वजह से अगर 40 के 40 राइट हो और गलत नहीं हो तो पॉसिबल है। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि रॉन्ग बिल्कुल नहीं होंगे, हो सकते हैं 2-4, पर 2-4 रॉन्ग होना ठीक है, पर 15-20 रॉन्ग होना मतलब कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं वीक है। उस पर वर्क करिए, एनालाइज करिए कि किस वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, और जिस वजह से रॉन्ग हो रहे हैं उस पर वर्कआउट करिए, आपको उसका रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा। अभी मैं इतना ही बोलूंगा, आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, पढ़ाई चालू करिए, और हर संडे को आप फुल लेंथ पेपर की एक प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। टाइम कम है, आपकी दिवाली 17 नवंबर के बाद बनेगी, बिल्कुल दिमाग में रखिए। यहां पर दिवाली के दिन भी सेशन ऑफ नहीं होगा, टेस्ट भी होगा, और कोई बच्चा यहां से वापस नहीं जा रहा है। बिल्कुल वही थॉट, वही एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ाई करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड जय हिंद।